अस्सलामुअलैकुम, वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ स्काई गार्डन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से हैं, बहुत 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 ज़्यादा ठीक होंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए। आज जो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा जो है ख़ास है, वो इस हिसाब से कि जो है मैं जिस तरह से अपना जो है वैक्सिंग करती हूँ अपर लिप्स वगैरह या साइड पे, जैसे जो फेशियल हेयर्स वगैरह जो आ जाते हैं वो किस तरह से रिमूव करती हूँ, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी जो है रूटीन किस तरह से मैं करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा उसी के हवाले से आप लोगों के साथ आज वीडियो शेयर कर लेती हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो के अंदर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। अच्छा जी, आज के बारे में ये शेयर कर देती हूँ कि जो है मैंने इयररिंग्स, वैसे तो मैं बहुत कम जो है ज्वेलरी पहनती हूँ क्योंकि बस मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे ज्वेलरी पहनना इतना खास पसंद नहीं है। तो बस मैंने आज जो ये मतलब ज्वेलरी में आप लोगों के साथ जो नज़र आ रही है इस वीडियो में, तो वो जो ज्वेलरी है वो मैंने स्टाइलो से परचेज़ की थी और बहुत अच्छी जो है इसकी ज्वेलरी होती है, और मतलब ये जो है ब्लैक नहीं पड़ती। ठीक है, अगर आप इसको ले कर रख लेते हैं, अगर आप यूज़ नहीं करते उसको रखी रहती है तो वो ब्लैक नहीं होती। सबसे ख़ास बात इसमें मुझे ये लगती है, ये चैन भी मैंने जो है वहीं से ली थी, और ये वॉच जो मैंने पहनी हुई है ये वाली वॉच भी जो है स्टाइलो से ली थी। तो ये मैंने शॉपिंग की थी, सोचा आज मैं पहनती हूँ और आप लोगों के साथ अपने फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि जो है मैंने किस तरह की परचेजिंग की और आप लोगों के साथ शेयर की है, तो कौन क्या चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रही है। ये देखें, इयर रिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, वॉच या चैन। ठीक है, तो अच्छा जी, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं और जो है अपने मेन पॉइंट जो हमारा वीडियो है उसकी तरफ चलते हैं। तो प्लीज़ सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा जी, मैं डायरेक्ट जो है वैक्सिंग नहीं करती, डायरेक्ट जो है मैं वैक्स जो है थ्रेड के थ्रू नहीं करती, मैं अपने लिए जो खुद जो करती हूँ वो मैं करती हूँ हॉट वैक्स, हॉट वैक्स के थ्रू करती हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट जो है हॉट वैक्स भी नहीं करती। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अभी जैसे विंटर है तो विंटर के हवाले से जो पहले मैं सबसे पहले क्लिनजिंग करती हूँ, सॉफ्ट टच की जो है क्लिनजिंग मिल्क है, ये नॉर्मली हर जगह से मिल जाती है, कोई इसका रिव्यू नहीं है, सिर्फ मैं अपना पर्सनल यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और जो है मैं किसी और को जो कंसिडर करती हूँ वो भी मैं यही प्रोसेस करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंड से अभी सेम यही वाला जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा जी, मैं सबसे पहले इसके अंदर अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और जो है अच्छे से जो है मॉइस्चराइज़र हो जाए। ये देखिए, कम से कम इसको आपने लगा के रखना है 4 से 5 मिनट। ठीक है, डायरेक्ट आपने अपने फेस के ऊपर जो है वैक्सिंग नहीं करनी होती, सबसे पहले अपने चेहरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा हमारे चेहरे हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो प्लीज़ इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, छोटी छोटी चीज़ों को जो है अवॉइड ना किया करें अपनी स्किन के हवाले से। तो सबसे अच्छा जो है आपने पहले क्या करना, सर्कुलर मोशन में इस तरह से आपने अच्छे से क्लिनजिंग कर लेनी है। ये देखिए, क्योंकि विंटर है, ड्राई है, तो क्लिनजिंग मिल्क करेंगे, इसके अंदर मिल्क होती है, तो जो है आपका चेहरा जो है अच्छे से नरिश होगा। ठीक है, ये देखें, मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं कर रही, सिर्फ इसी क्लिनजिंग मिल्क की जो क्रीमी क्रीम होती है मैं इसी से अच्छा सा जो है कर रही हूँ। ये देखें, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि अब इसके बाद जब आप वैक्सिंग करते हैं तो एकदम जो है वैक्स करने के बाद ड्राई स्किन हो जाती है, अजीब सा जो है ना फेस हो जाता है, तो वो नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि वैक्सिंग करने में इजी होगा वो इस तरह से कि एकदम स्किन हमारी जो है खिंचड़ी होती है वैक्स करने के, मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में जो है खींच रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारी स्किन स्मूथ हो रही होगी, नरम हो रही होगी, सॉफ्ट हो रही होगी, तो उससे आपको ज़्यादा इरीटेट नहीं होगा। देखिए, 4 से 5 मिनट आपने ये अच्छे से करना है। मैं इसको वॉश करके आती हूँ। अच्छा जी, मैं अपना फेस जो अच्छे से जो है नॉर्मल पानी से ही जो है मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, थोड़ा सा यहाँ भी लग गई थी, और देखें
इतना साफ़ सुथरा सा हो गया, एकदम फेस क्लीन क्लीन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना वैक्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं वैक्स जो है हमेशा जिस तरह से करती हूँ वो इस तरह, जो सबको पता है कि वैक्स मशीन के थ्रू होती है, थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि मैं पार्लर पे भी यही वाली यूज़ करती हूँ और मतलब यही इस्तेमाल करती हूँ। मैं साफ़ करती हूँ लेकिन क्या करेंगे, होती नहीं है। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर जो डालती हूँ वो ये वाला हॉट वैक्स है। ये इसमें सबसे अच्छी खास बात मुझे ये लगती है, ये सेफ़ है, हाइजेनिक है एंड इफ़ेक्टिव है, इफेक्टिव वे ऑफ रिमूविंग हेयर है। ठीक है, और सबसे अच्छा जो मुझे इसमें ये लगता है कि ये जो है इस तरह से, इसमें बड़ा साइज़ भी आता है लेकिन इसमें छोटे वाले साइज़ होते हैं। ये देखिए इसमें इस तरह से रेपिंग हुई हुई है। ठीक है, ये आप अपने एक फेस के लिए जो भी है आप एक निकालें दो निकालें बस यूज़ करें, उसके बाद इसको मतलब वेस्ट कर दें, वो दूसरे फेस के लिए नहीं होता। सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि फ़ौरन से इसको आप ईजी रिमूव कर सकते हैं। तो मैं अपने फेस के हवाले से मतलब है मुझे देखें यहाँ पे अपर लिप्स, तो बस उसके लिए मुझे ये एक इनफ रहेगा। तो मैं इसको जो है मेल्ट करती हूँ एंड देन मैं आपके साथ इसका जो है प्रोसीजर शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको जो है जो वहाँ पर वैक्स था उसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है, आई थिंक आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है और इसको जो है अब मैं हल्का सा थोड़ा फिंगर जो है अपने एहतियात के साथ रख के, मैं फिंगर से ही करती हूँ, स्ट्रिप से नहीं करती। ठीक है, ये देखिए ये रख ली और इस तरह से मैंने क्या करना है, ये देखें रिमूव हो गया। इसी तरह मैं इसका कंप्लीट जो है करती हूँ। आपने इसको नीचे की तरफ लगा के और अपवर्ड खींच रहे हैं, यानी कि बाल की डायरेक्शन अगर हमारी इस तरफ है तो हमने इसको इस तरह से लगा के और इसको बैक साइड पे खींचना है, यानी इसके अपोजिट करना है आपने। तो ये बहुत इजी तरीके से आपको हो जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा लगा हुआ है, देखिए हो गया। इस तरह से करके मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैं थोड़ा मिरर की तरफ कर लेती हूँ। ये देखें कितना क्लीन हो गया। ये देखें मैं इसको कंप्लीट करती हूँ आपके सामने। और आपने इसको क्या करना है, ये देखें कितना नीट नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह मैं इस साइड से भी करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैंने पूरा जो है अपना फेस कितना ज़बरदस्त सा जो है फेशियल हेयर जो भी छोटे मोटे थे सब मैंने अच्छे से रिमूव कर लिए हैं। देखा कहीं कहीं ये देखिए लगा हुआ है, सही है, मैंने इसलिए नहीं हटाया कि ताकि आप लोगों को लगे कि मैंने पूरा फेस जो है अच्छे से जो है इसी से रिमूव किया है। और सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, जस्ट अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है मेरा, तो मैंने सोचा अपने साथ पूरा दिखाऊँ। इसके बाद आपने इसको हटाने के लिए पानी यूज़ नहीं करना, आपने क्या करना है इसी तरह सॉफ्ट टच की जो है ये वैक्स वाली जो लोशन होती है, और ये जेंटल सूतेज लिखा हुआ है इस पर, गोल्डन गर्ल कॉस्मेटिक्स ही है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसको लेना है और इसको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, जैसे जहाँ जहाँ आपने वैक्स किया वहाँ वहाँ अप्लाई करना है। इससे जो है आपको बहुत अच्छा सा जो रिलैक्स मिलेगा। इसके बाद आपने 5-10 मिनट के बाद आपने अच्छे से अपने फेस को जो है, अच्छा मैंने जो यहाँ पर भी लगाया था वो इसलिए कि मुझे इससे जो है ऐसा लगता है कि जो ब्लैक हेड्स होते हैं ना वो फ़ौरन से जो है रिमूव हो जाते हैं इसी तरह स्ट्रिप के थ्रू। तो ये एक मेरा जो खुद का जो है ना एक पर्सनल ट्रिक है या टिप है, जो भी आप इसको कंसिडर करें या जो भी आप इसको ले सकते हैं। और इससे बहुत अच्छे से जो है ना नोज़ क्लीन क्लीन हो जाती है। तो मैं इसके ऊपर ना ऐसे करके लगाती हूँ और इस तरह हटा देती हूँ दोनों साइड से। तो मैंने ये अभी भी इसी तरह करा, जब भी मैं नोज़ पर लगा रही हूँ यहाँ हटाएँ इस तरह, बस हल्का से इसको लगा के इस तरह और इधर से उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद उसको मुँह जो है अपना वॉश कर लूँगी। लेकिन ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो लाइक की हो, प्लीज़ पसंद की हो, तो उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर देगा, चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़रूर लाइक कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे तमाम नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।